लाइव न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपक गोस्वामी और आप इस समय देख रहे हैं आपकी बात हमारे साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोविड 19 के चलते लॉकडाउन की स्थिति बन रही थी और भारत में भी सबसे पहले लॉकडाउन जो है वो शुरू किया गया था। अब हमको देखना यह है कि लॉकडाउन में कितना हमें फायदा हुआ है और कितना हमें नुकसान हुआ है। इस चर्चा में बात करने के लिए हमारे साथ आज देश के अलग अलग कोने से जाने माने प्रबुद्ध लोग जो हैं हमारे साथ शामिल हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगा डॉक्टर मुकुल श्रीवास्तव जी से, जो कि HOD हैं JMC विश्वविद्यालय लखनऊ में, और साथ ही हमारे साथ जुड़ी हैं संगीता प्रणवेंद्र जी, जो कि फॉर्मर पॉलिटिकल एडिटर DNA की रही हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, देश की जानी मानी पत्रकार हैं। आपने अनेक राष्ट्रीय चैनल और अखबारों में बहुत अच्छे से अपना किरदार जो है पत्रकारिता का वो निभाया है। हमारे साथ में है TN मनीष जी, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने भी अनेक राष्ट्रीय स्तर के चैनलों में अपनी एक अहम अलग भूमिका दिखाई है। हमारे साथ मौजूद हैं बीकानेर से समाज सेवी गजेंद्र सिंह जी, आपका गजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ दिल्ली से मनीष बरुआ जी हमारे साथ शामिल हैं, आप भी समाज सेवी हैं। आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं यहाँ पर डॉक्टर मुकुल श्रीवास्तव जी आपसे जानना चाहूंगा, आप अपने हिसाब से बताइए कि देश में जो लॉकडाउन की स्थिति थी वो कितनी सही थी और कितनी गलत थी, आप क्या सोचते हैं? देखिए, जहां तक मेरा मानना है वो ये है कि लॉकडाउन इसलिए नहीं किया गया था कि कोरोना उसे रुक जाएगा या बड़ा चमत्कारिक परिणाम हमें देखने को मिलेगा। बेसिकली बात यह कि भारत विचित्रताओं का देश है, विरोधाभासों का देश है, और वहां पर समाज के एकदम अंतिम तबके तक ये बात पहुंचानी कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी जरूरी है या मास्क लगाना कितना जरूरी है, हाथ धोना कितना जरूरी है, वो किसी एड कैंपेन या सरकार की नीतियों से नहीं हो सकता था। तो मेरे ख्याल से जो एक सबसे बड़ी बात गाँव कस्बे शहर हर जगह पहुंच गई है वो ये है कि हमें एक सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है। लोगों के अंदर इस बात की सूचना पहुंचाना बहुत जरूरी था कि बहुत ही विषम परिस्थितियों में कदम उठाया गया कि युद्ध काल में भी रेलवे कभी नहीं रुकी, रेलवे रोक दी गई, सारे ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम बंद कर दिए गए। तो जो सरकार का जो पहला उद्देश्य था उसमें सरकार जो सामाजिक आर्थिक दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़े वो हम सबके सामने है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो किसी से छुपा है, पर सरकार इसमें तो सफल हो गई कि हाँ, जो जिसे कहते हैं आत्मनियमन या जो स्वानुशासन वाली बात है ये लोगों तक पहुंचा। जी संगीता जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि लॉकडाउन कितना सही कितना गलत आपके नजरिए से? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो ये COVID-19 है ये कंटेजियस डिजीज है। कंटेजियस डिजीज यानी बहुत इजीली स्प्रेड करेगी, ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से स्प्रेड करेगी। अब कॉन्टैक्ट अगर रोकना है भारत जैसे देश में जो इतना बड़ा है, जहाँ पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, खास तौर से महानगरों में है, और जब ये विदेश से सारी बीमारी आई थी तो महानगरों का कॉन्सेंट्रेशन था कि महानगरों में ये सबसे पहले आई, ग्रामीण इलाकों में तो अब आ रही है जब माइग्रेंट वर्कर्स शहरों से गाँव पहुंच रहे हैं। तो सबसे जरूरी था कि लोगों का कॉन्टैक्ट रोका जाए, उनको ऐसे एनवायरमेंट से अलग किया जाए जहां पे भीड़ हो, कंजेशन हो, आपस में उनका इंटरमिंगलिंग हो, जहां से कि उनसे कंटेजन स्प्रेड हो सके। तो लॉकडाउन ही एकमात्र तरीका था, क्योंकि हम एक ऐसा देश नहीं है, इतना विकसित देश नहीं है, और मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां इतनी मेडिकल सुविधा हो कि अगर सारी की सारी पॉपुलेशन में कोई एक बड़ा भाग संक्रमित हो जाए तो उनको किसी तरीके से वो इलाज दे सकें, एक साथ दे सकें, टेस्टिंग कर सकें। इस तरह की सुविधा किसी देश के पास नहीं है, खासतौर से भारत के पास नहीं है। इसलिए लॉकडाउन ही एकमात्र ऐसा इलाज था जो कि ये जो इन्फेक्शन है उसको बढ़ने से रोक सकता था। तो यही एक विकल्प था, एक सुलभ विकल्प था, एक सस्ता विकल्प था, एक ऐसा विकल्प था जो बहुत आसानी से अपनाया जा सकता था, तो लॉकडाउन आवश्यक था। TN मनीष जी, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा, क्योंकि पहले हम सभी के लॉकडाउन की उचित या सही था या गलत था इस पर हम विचार ले लें, उसके बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे कि इसका पॉलिटिकल मायने रहे या सोशल मायने रहे, उन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो TN मनीष जी, आप क्या समझते हैं कि जो देश में लॉकडाउन किया गया वो कितना सही था या कितना गलत था? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है दीपक जी कि ये जो लॉकडाउन है इसमें सही या गलत
इसलिए भी नहीं आता है, ये जो बीमारी है इसका जो मूल स्वभाव है, ये जिस तरह का वायरस है, ये वायरस दरअसल हिंदुस्तान में अलग रूप में पहले रहा है। इसकी सीवियर जो गंभीर जो स्थिति अवस्था है इन्फ्लुएंजा की, वो एक तरह का ये कोरोना COVID-19 है। शुरू में ये भी बात चली कि इसको चाइना वायरस भी बोला गया, लेकिन हमारे यहाँ पर जिस तरह की पॉपुलेशन है, जिस तरह हमारे यहाँ पर 300 दिन हम लोग त्योहार मनाने वाला देश है, हम लोग आपस में सामाजिक मेल मिलाप वाला देश है, तो ऐसी सूरत में जब इस स्वरूप का एक कोई वायरस है जो अचानक से गुप्त शत्रु की तरह वार करता है, और बातचीत में कब आपके लार के साथ या आपके थूक के साथ या आपके छींक के द्रव्य के साथ वो दूसरे पर स्प्रेड कर देता है, एहसास भी नहीं होने देता। और इसमें एक चीज और भी है कि इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड है, जिसमें हम लोग डॉक्टर्स बोलते हैं कि 6 दिन 14 दिन तक रहता है, तो इसमें कोई भरोसा नहीं है। इस समय ये भी देखने में आया पिछले 60 दिनों में कि कई ऐसे प्रकरण कवरेज के दौरान हम लोगों को फील्ड में भी दिखे कि पहले वो पूरी तरह से निगेटिव हो गए, लेकिन अचानक से वो पॉजिटिव भी हुए। और एक नई बात और आई कि ये वायरस इतना खतरनाक है, इतना बड़ा गुप्त शत्रु है, कि इसकी छींक का मामला, खांसी का मामला, सर्दी का मामला, गले में खराश का मामला, या किसी तरह के जो लक्षण बताए गए थे, बिना लक्षण के भी बहुत सारे ऐसे प्रकरण सामने आए, जिसमें आपके राजस्थान से भी 12 और तमाम जिलों में इस तरह की रिपोर्ट आई। तो मेरा मानना है कि लॉकडाउन ही इकलौता ऐसा उपाय था जो सरकार ने बहुत ही सही समय पर और बहुत ही उचित निर्णय लेते हुए किया। उसकी मजबूरी थी, क्योंकि ये कोई प्री डिसाइडेड चीज नहीं थी, पूर्व नियोजित कोई भी ऐसा इसका कैलेंडर नहीं था जिसमें सरकार से ये अपेक्षा की जाती कि सरकार पहले सर्वदलीय बैठक बुलाएगी, उसके बाद तय करेगी कि वास्तव में हमको कब से करना है। तो ये सरकार की मजबूरी थी कि सरकार को तत्काल प्रभाव से निर्णय लेना पड़ा, और उस निर्णय की वजह से 130 करोड़ के आबादी में आज हम अगर संख्या देखें तो ऊंट के मुंह में जीरा ही मानूंगा। जी बिल्कुल, लॉकडाउन के चलते काफी कम संख्या में जो मरीज है वो संक्रमित हुए हैं भारत में। हमारे साथ बीकानेर से जुड़े हुए हैं समाज सेवी हैं और व्यवसायी भी हैं आप, और आपने नजदीक से गरीब मजदूरों को भी देखा है, आपने व्यवसाय को भी देखा है। तो गजेंद्र सिंह जी, आप बताइए कि आप किस नजरिए से देखते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? देखिए दीपक जी, हिंदुस्तान की जो पोजीशन है उस पोजीशन के अकॉर्डिंगली लॉकडाउन के अलावा कोई समाधान था नहीं जी, क्योंकि न तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास डेवलप था और न इस वायरस का कोई, जैसे सबने बताया कि इसका कोई पहले कोई ऐसा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता कि भी यहाँ यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया में फैलेगा, यहाँ फैलेगा, वहां फैलेगा। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन था और प्रधानमंत्री जी ने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सर्वमान्य था। कम से कम इस पूरे 130 करोड़ की जनसंख्या को ये तो पता चला कि इस वायरस से बचने के उपाय क्या है। अदरवाइज हम लोग अगर इस चीज को और डिले करते तो शायद ये बीमारी बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेती। हाँ, इसमें ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन सही था, सरकार ने जो किया वो सारे के सारे सही थे, पर इस लॉकडाउन के चलने के बाद में जो 15-20 दिन के बाद का जो फेज आया जी, जब जाके इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हुई और चीजें इन्वॉल्व हुई, तो वहां से इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया गया, और कहीं ना कहीं उन सब चीजों की वजह से आज हम जो चीज देख रहे हैं, ये भीड़, ये वो चीजें जो आई अचानक से बढ़ के आई करी, ये इतना नहीं आता अगर इस चीज का इतना र्यूमर नहीं बनता लोकल लेवल पे या स्टेट लेवल पे। और होता क्या है कि जब कोई एक आदमी कहीं जन भावना के रिलेटेड आवाज उठाता है तो दूसरा मुख्यमंत्री भी उसी को फॉलो करने की कोशिश करता है। बिल्कुल गजेंद्र जी, इस पर हम चर्चा करेंगे, पॉलिटिकल उस पर भी हम पूरी चर्चा करेंगे। पहले दिल्ली से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बरुआ साहब। बरुआ जी, आप बताइए हमको कि आप किस नजरिए से देखते हैं लॉकडाउन को। दीपक जी, सबको पहले प्यार भरा नमस्कार। दीपक जी, सबसे सब मेरे माननीय जितने भी सारे पहले ही बता चुके हैं कि ये जो लॉकडाउन इतना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये 130 करोड़ की जो हमारे पास जो वो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में इतने तरीके से लोग रह रहे हैं और सबको हम आपस में रोक के वो नहीं कर सकते। सबसे पहले ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसके बिना हमारे पास और कोई चारा नहीं। इसके तरह हमारी ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा है, हम सब दूसरे से हाथ मिलाते सब, इसी के कारण हमारे मुझे लगता है कि ये जो हम माननीय प्रधानमंत्री ने जो लॉकडाउन किया है ये बहुत सही और
सही तरीका है, जो कि आपस में इसको जब तक हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक ये लॉकडाउन बहुत जरूरी था। लॉकडाउन बहुत जरूरी था ये हमारे सभी जो गेस्ट हैं उन्होंने बताया, लेकिन क्या लॉकडाउन के दौरान जो राजनीति जिस तरह से हुई आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? हम इस विषय पर भी आएंगे क्योंकि लगातार देखिए जब लॉकडाउन की स्थिति हुई तो पूरे विश्व ने, चाहे अलग अलग देश हो, चाहे WHO हो, चाहे एम्स हो और चाहे कोई भी डॉक्टर्स हो, सभी ने और जितने भी हमारे यहाँ पर जो वक्ता है उन्होंने भी कहा कि लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन बाद में एक ऐसा बयान आता है, पॉलिटिकल बयान आता है कि लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे जो कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं हुआ है, और उसके बाद चाहे कांग्रेस शासित प्रदेश हो, वहां के मुख्यमंत्री हो, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ने सबसे पहले लॉकडाउन की घोषणा की थी, और उसके बाद में जब राहुल गांधी का ये बयान आता है कि लॉकडाउन से कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ, तो ये कहीं ना कहीं सारी चीजें उलट के उल्टा हो जाती हैं। किस नजरिए से देखते हैं आप प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब? जहां तक मेरा ख्याल है कि ये कहना कि लॉकडाउन से फायदा नहीं हुआ ये गलत है। फायदा हुआ, जरूर हुआ, लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि लॉकडाउन के साथ जितना बड़ा ये निर्णय था थोड़ी बहुत प्लानिंग की जरूरत थी। जैसे कि जब फर्स्ट फेज का लॉकडाउन चल रहा था उसी वक्त प्रवासी मजदूरों को जाने की व्यवस्था कर दी जानी चाहिए थी, ना कि करीब एक महीना बीतने के बाद आपने जो है व्यवस्था करी, लोग पैदल चल पड़े, कितने लोग मर गए और कितनी तरीके की समस्याओं का शिकार हुए। तो जो इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, जिसकी बात शुरुआत में ही उठ चुकी थी, कि समाज के एकदम अंतिम तबके तक इस संक्रामक बीमारी के बारे में एक जागरूकता हो गई, उसे समझ आ गई कि कम से कम उसे कितना काम करना है, लोगों से मिलना नहीं है, स्पर्श नहीं करना है, साफ सफाई रखना है, हाथ धोते रहना है, तो ये जो चीजें हैं। पर हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से जितना फायदा होना चाहिए था उतना फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पर्याप्त नियोजन का अभाव। नहीं, लेकिन आप पहले ये कहते हैं कि लॉकडाउन जो है वो बहुत बेहतर है, बाद में आप कहते हैं कि ये पूरी तरह से फेलियर है, तो ये किस तरह से संभव है? देखिए, ये नेता हैं, नेताओं का क्या उस विषय पर टिप्पणी करना। ये एक तरीके से कि राजनीति इस देश में बड़ी विचित्र होती है, विरोध करने के लिए विरोध करना है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं तो जो चीजें अच्छी हैं उन पर खुलकर के उनकी तारीफ की जाए, जहां गलत है उनकी आलोचना भी की जाए। पर इस मामले में वो कोई भी पार्टी हो, जब वो विपक्ष में रहती है तो वो सिर्फ और सिर्फ आलोचना करती है। तो निर्णय सही था, उसका जो प्लानिंग थी अगर उसे बेहतर किया जाता तो शायद बहुत सारी समस्याओं से बचा जा सकता। संगीता जी, आप पॉलिटिकल एडिटर रही हैं, आपने पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखा है, आपने चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री हो चाहे दिल्ली की पॉलिटिक्स हो, आपने बहुत करीब से देखा है। आपसे जानना चाहूंगा कि जिस दिन राजस्थान में सबसे पहले लॉकडाउन की घोषणा की थी शुरू में 7 दिनों के लिए, उसके बाद जब राहुल गांधी का एक बयान आता है तब यहाँ के मुख्यमंत्री भी बदल जाते हैं, उनकी विचारधारा भी बदल जाती है, तो इस तरह की पॉलिटिक्स कितनी सही है हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए? देखिए दीपक जी, राजनीति में अगर बयान नहीं होंगे तो राजनीति अधूरी है, और राजनीति में अगर विपक्ष पे वार नहीं होगा तो भी राजनीति अधूरी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे बयान कुछ भी रहे हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कोई और राज्य हो, चाहे केंद्र हो, सबने अपना काम जारी रखा। ऐसा लग रहा था जैसे एक ट्रैक के ऊपर काम चल रहा है और दूसरे ट्रैक के ऊपर राजनीति चल रही है, बयानबाजी चल रही है, और सभी जो किरदार थे वो ऐसा लग रहा था मानो हर पूरी सिचुएशन के बीच में जो करना है वो करते हुए साथ में अपना जो एक राजनीतिक धर्म है, जिस पोजीशन पे वो खड़े हुए हैं, जिस राज्य में वो विपक्ष में है चाहे जिस राज्य में वो सत्ता में है, वो अपना धर्म निभा रहे थे। तो ये जो बयानबाजी थी अगर इतनी भी ना होती, इतनी बड़ी धर्म में अपनी विचारधारा बदल जाती है क्या? मैं जानना चाहता हूँ आपसे, धर्म में अपनी विचारधारा भी बदल जाती है? देखिए, विचारधारा नहीं बदलती है, पार्टी की आइडियोलॉजीज होती हैं, पार्टी का एक स्टैंड होता है, पार्टी अगर ऑपोजिशन में है तो अपोज करेगी, लेकिन आप सबके बीच में एक अंडरलाइन ट्रैक देखिए। राजस्थान के जो काम हुए हैं इस कोरोना पैंडेमिक के दौरान उनको केंद्र ने अप्रिशिएट किया है, केंद्र चाहे भीलवाड़ा मॉडल हो, चाहे डूंगरपुर मॉडल हो, चाहे बूंदी को किस तरह से सेफ रखा गया था, इन सबको अप्रिशिएट कर रहा है। आज ही के दिन सेंटर की एक टीम आई है राजस्थान में और उसने राजस्थान को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है, उनकी हेल्थ मिनिस्टर से मीटिंग हुई है। तो जो बयानबाजी होती है उसको एक तरीके से बहुत कम गंभीरता से लेते हुए ये देखना चाहिए कि इस दौरान
काम चल रहा है या नहीं, जो आवश्यक सेवाएं हैं उनकी जो जो उनका क्रम है वो जारी रह रहा है या नहीं, और अगर वो जारी रह रहा है तो इन बयानों को साइड में से आने वाली कैकोफोनी की तरह इग्नोर कर देना चाहिए और चलते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर इग्नोर तो आप और हम इग्नोर कर सकते हैं लेकिन आम जनता के ऊपर उनका सीधा सीधा असर पड़ता है। संगीता जी देखिए, आम जनता भी अब बेवकूफ नहीं रही है, आम जनता बहुत समझदार है। हम अगर ये सोचें कि आम जनता मूर्ख है तो ये हमारी मूर्खता है। आज अगर आप देखेंगे तो जो मजदूर जिसे हम सोच रहे हैं वो भी ट्विटर के ऊपर अपनी आवश्यकता को ट्वीट करके कहता है कि मैं इस जगह पे फंसा हुआ हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, वो सोशल मीडिया का उस पर एक्सेस है। देखिए, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, समस्याएं निस्संदेह आई है, वारदात जो मतलब कुछ घटनाएं हैं जो ऐसी हुई हैं जो कि अनवांटेड थी, जो नहीं होनी चाहिए थी, अवॉइडेबल थी, लेकिन फिर भी जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो जिसको कहते हैं हमारे राजस्थानी में कहते हैं कि अनाज रख लेती है और फूस बाहर निकाल देती है, वो भी समझदार है, उसको कोई गफलत नहीं होती है, वो ये भी जानती है कि कौन सा काम कहाँ से होना है और किस तरीके से होना है। तो जनता इससे गफलत में नहीं आती। ये शायद आप और हम पत्रकार हैं जिनकी एक दिन की हेडलाइन चलती रहती है इन बयानों से, इससे ज्यादा गंभीरता कोई बात नहीं। टेन मनीष जी, आपसे जानना चाहूंगा कि लॉकडाउन के दौरान जो राजनीति हुई है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं, चाहे वो बसों की राजनीति हो, चाहे वो बयानों की राजनीति हो, चाहे वो मजदूरों को लेकर राजनीति हो, आपका क्या नजरिया है? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि एक ऐसी महामारी जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया, एक ऐसे देश से उस समय सियासत की उम्मीद पूरा विश्व नहीं करता, यहाँ की कोई भी जो समुदाय है वो भी नहीं करता कि हमारे नेता जो 300 दिन सियासत की रोटी खाते हैं, आज जब हमारी जान पर बनाई है, जब इतने बड़े बड़े बयान आ रहे हैं, रतन टाटा ने ये कह दिया कि 2020 जो है वो लाभ का वर्ष नहीं है, वो जान बचाने का वर्ष है, अमेरिका जैसे ने इसको जीरो ईयर घोषित कर दिया, तो ऐसी सूरत में कहां हम लोग विश्वगुरु की स्थिति में अपने आप को देखते हैं कि हम बहुत बड़ा लोकतंत्र है, लोग हमें फॉलो करते हैं। आज मोदी को रोल मॉडल मानकर के इतने देश विश्व के कई बार बुला चुके हैं और कई तरह की ऐसी चीजें हैं जो उनसे सलाह भी लेते हैं लोग, तो ऐसी सूरत में इस तरह के देश में हमारे यहाँ पर इसमें ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इस तरह की कोई सियासत होगी, बल्कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसमें ये करना चाहिए था कि जिन मजदूरों को निकलने पर मजबूर होना पड़ा उनको वहां पर ही जहां पर वो थे, उनके फैक्ट्री संचालकों के साथ स्थानीय स्तर में जो सूबे की सरकार थी वो उनके साथ में कोऑर्डिनेशन करती, केंद्र से कोई एक ऐसी स्कीम बनाते, पूरा एक सिंक्रोनाइजेशन, एक तालमेल होता तो ये सूरत हाल नहीं होता। लेकिन राजनीति की रोटी सेकने के लिए कई बार इसमें अतिरंजना भी की गई, अतिशयोक्ति अलंकार लगा के भी चीजों को परोसने की कोशिश की गई, क्योंकि हमारे यहाँ पर राजनीति जो है वो ब्लड में है, और ऐसी सूरत में इतने बड़े मामले पर जब सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग सड़क पर निकले हो तो उन अच्छी खबरों को बहुत कम लोग देखते हैं जिस पर एक बेटी के ऊपर इतनी बड़ी फिल्म बनने जा रही है, तो ऐसी जो चीजें हुई है उसको नहीं देखते। दूसरा, इस कोविड 19 ने हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो समुदाय की भावना है, जो हम लोगों के अंदर वसुधैव कुटुंबकम है, जो हम लोगों के अंदर समाज में एक दूसरे को अपना मानने की दया और धर्म की भावना है, आज अगर सरकार के साथ सरोकार सड़क पर नहीं आता दीपक जी, तो ये तस्वीर और भयावह होती। लेकिन टीएन मनीष जी, मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी राजनीति किस काम की जो समाज के लोगों के काम ना आए, जिन लोगों ने आपको वोट देकर आपको देश में आपको सरकार बनाने का मौका दिया, राज्य में आपको सरकार बनाने का मौका दिया, और ऐसी स्थिति में महामारी के समय भी आप राजनीति को अपनी चला रहे हैं, भुना रहे हैं अपनी राजनीति को, तो इस नजरिए से आपका क्या विचार है, आपका क्या कहना है? देखिए दीपक जी, मैं आपको बताऊं कि इस समय जो मैं आपसे बात कर रहा था कि मैंने खुद स्वयं यहाँ पर अपने अलग अलग हाईवेज में देखा है, स्थिति ये हो गई है कि कोई समाज, कोई धर्म, कोई जात नहीं थी, सिर्फ एक धर्म था, मानव और पीड़ित मानवता की सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा। लेकिन एक बात देख करके बहुत कष्ट, बहुत दुख होता है कि ऐसे राजनेता, ऐसे राजनीतिक दल जो बरसों से जनता के साथ तमाम तरह की योजनाएं ला करके अपना एक बड़ा टर्नओवर बना चुके हैं, उन्होंने ये भी कोशिश की कि कहीं थोड़ा सा लेकिन उंगली कटा करके शहीद कहलाने की उन्होंने पूरी कोशिश की, दो पैकेट बिस्कुट के बांट के
छह वो तो जरूर छप पाए, लेकिन हकीकत की जो सेवा हुई है वो सेवा समाज के अलग अलग अंगों ने की है, अलग अलग लोगों ने की है। और उस सेवा में एक खास बात ये थी कि तमाम तबलीगी जमात और दुनिया भर की बातों को भूलकर छोड़कर हमारे यहाँ के सर्वहारा वर्ग ने एक बात ये की कि मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि मुस्लिम रोजगारों ने हिंदुओं की रोटी से रोजे खोले हाईवे में खड़े होकर और उनको असंख्य दुआएं दिए। तो ये जो कौमी एकता है, हमारे देश की जो तासीर है, विश्व बंधुत्व की जो भावना है, मेरा मानना है कि कोरोना महामारी ने एक बार फिर आधुनिक होते भारत को पुरातन और सनातन संस्कृति की तरफ थोड़ी देर के लिए ले गया है और ये बताने की कोशिश की है कि हमारे धर्म, हमारे संस्कार, हमारी जड़ें क्या है। तो एक दृष्टि से ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा भी हुआ है। जहाँ एक तरफ कोरोना ने बहुत संकट महामारी का समय हमें दिया और उसके साथ साथ हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला, मैं यहाँ पर सीधे सीधे बात करना चाहूंगा बीकानेर से गजेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि लगातार समाज सेवा में भी रहे हैं। जैसा कि अभी टीएन मनीष जी ने कहा कि लोगों ने 2 बिस्कुट के पैकेट दिए और 100 बिस्किट के पैकेट दिखाए, क्योंकि गजेंद्र सिंह जी आप भी लगातार गरीब मजदूर हों चाहे जरूरतमंद लोग हों उनको लगातार राशन पानी दे रहे थे, उनको खाना दे रहे थे लगातार 2 महीने से। तो आप किस नजरिए से देखते हैं कि क्या इसका कुछ लोगों ने गलत फायदा भी उठाया है? अगर हम पॉलिटिकल बात करें तो कुछ नए नेता भी उभर कर सामने आए हैं ऐसे कोविड-19 के समय। देखिए दीपक जी, इसमें क्या था कि लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग के बीच में कहीं राजनीति का कोई ऐसा नजर नहीं आया किसी को भी। स्टेट गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की, सबने फॉलो करा उसको, बट कहीं ना कहीं इस चीज अंदर चूक माने या गलती माने ये था कि इसकी एक तो प्रॉपर वे में तैयारी नहीं की गई। इधर के इधर उधर होता ना, स्टूडेंट का कोई इशू आता, अगर थोड़ा सा इसको राजनीतिक परिदृश्य में या इसको कहीं ना कहीं घुमाव देके नहीं छोड़ा जाता तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। पूरे कोविड के इस 2 महीने 65 दिन के टाइम पीरियड में अगर स्टार्टिंग के 15 दिन आपका हर व्यक्ति अगर घर पे रह सकता है, फैक्ट्री बंद रह सकती है, किसी ने कोई अपोज नहीं किया, कहीं धरना प्रदर्शन नहीं हुआ इंडिया में, बाकी और दूसरे कंट्रीज में भले ही हुआ होगा पर यहाँ कभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया, फॉलो किया गया। पर उसके बाद हुआ क्या दीपक जी, कि आपके पास प्रॉपर आंकड़े नहीं है। आज अगर आप खाली एक बीएलओ की लिस्ट के ऊपर बीपीएल परिवार का चयन करके राशन पहुंचाने की कोशिश करोगे और उसके अंदर भी बहुत सारे लकुने रहते हैं, वो एकदम से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं था कि आप 6 महीने पहले से उस चीज को लेके चल रहे थे। आपके साथ में एक अचानक से समस्या आती है, 22 को 23 को लॉकडाउन स्टार्ट होता है और 24 से आप सोचो कि हर जरूरतमंद को खाना पहुंचा दे। बस अर्थ सरकार ने खूब प्रयास किए होंगे, लेकिन मैं फिर भी आज आपको कहता हूं कि जितना इस देश की जनता ने, जितना इस देश के लोगों ने किया, वो सरकार से कई गुना ज्यादा था और कई मायने में वही सही सेवा थी जो एक्चुअल में जिसको नीड थी उसके पास पहुंचा था। सरकार के सिस्टम में 15 से 20 दिन के बाद दीपक जी, आप कहीं के भी आंकड़े उठा लीजिएगा, और मे भी शायद ये लॉकडाउन अब खुला है तो लोग बाग आरटीआई की इन्फॉर्मेशन है, ये निकाल लेंगे, ये इश्यूज बनते आएंगे, कहीं पे भी 15-20 दिन के बाद सरकार ने भी अपनी जिम्मेवारी को एक फॉर्मेलिटी के तौर से लेना स्टार्ट कर लिया। जब आपको पता है कि जिन लोगों के पास राशन नहीं पहुंचा है, अगर थोड़ा सा करते, पर होता क्या है कि जब आपने कहा ना कि ये एक ऐसा मौका था, इसमें राजनीति और ये सारी चीजें, ये सारी भूलनी पड़ेगी। देखो महामारी आती है, अगर घर में अगर 10 लोग हैं उनमें से अगर किसी के साथ कुछ दुर्घटना घटती है तो आपके परिवार के सदस्य को या आपके कुनबे को इकट्ठा होना पड़ता है। तो ये एक ऐसी समस्या थी जो न तो कहीं राजनीति करने का था, न राजनीति धर्म निभाने का था, न कुछ और सिर्फ एक मानव धर्म निभाने का था। और शायद इसमें कहीं राजनीतिकरण नहीं होता तो मैं कह रहा हूँ ये आंकड़ा 2 लाख के पार भी नहीं जाता दीपक जी, क्योंकि ये जो मिसमैच और अफवाहें फैलाई गई ना, जिससे आपका गजेंद्र जी जो सवाल था, एक आपने पहले सवाल उठाया था कि 15 से 20 दिन तक सरकारों ने बहुत बेहतर काम किया, उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार जो है वो बैकफुट पे आ गई और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स जो है शुरू हो गई। यहाँ पर मैं प्रोफेसर मुकुल जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप इसको किस नजरे से देखते हैं कि क्या सरकार ने वाकई 15-20 दिन या महीने भर के बाद में पॉलिटिक्स शुरू कर दी अपने अपने क्षेत्रों की, अपने अपनी पार्टियों के द्वारा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि 15-20 दिन के बाद सरकारें जगी, आंकड़ों के स्तर पर लोगों के मदद पहुंचाने के स्तर पर एक प्रयास हुआ, पर जो शुरुआती 15 दिन थे उसमें ऐसा कुछ ठोस कोई प्लानिंग नहीं थी। लॉकडाउन कर दिया गया और किसी को नहीं पता था कि अब हमें आगे इस रास्ते पर कैसे जाना है। अब और आप उसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि अब जब अनब्लॉक 1 चल रहा है तो 2 लाख हम लोग ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं और इतनी तेजी से जो है ये संक्रमण फैल रहा है। तो उसके बाद धीरे धीरे राजनीतिक स्तर पर ये प्रयास शुरू हुआ कि इसे किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए।
जो शुरुआती लॉकडाउन था वो सबसे शानदार लॉकडाउन था, वो जो शुरुआती 15 दिन थे, मतलब जिसे कहते हैं उसमें परिंदे ने भी पर नहीं मारा। लेकिन उसके बाद धीरे 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 जो है सरकार को भी ये समझ में आ गया कि इतने तगड़े लॉकडाउन से काम चलने वाला भी नहीं है, कुछ तो रिलैक्सेशन देने पड़ेंगे, और धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ते रहे पर रिलैक्सेशन उसी के साथ बढ़ते रहे। पर जो सबसे बड़ी बात है कि शायद सरकार इस बात से सीख ले कि सत्ता में कोई भी पार्टी रहे पर आंकड़ों की कितनी बड़ी अहमियत है, और लोगों के बारे में एक पूरी उनका जो डेमोग्राफिकल डेटा है वो सरकार के पास होना चाहिए कि किसकी कितनी जरूरत है, जैसे इस तरीके की आपदा के वक्त तुरंत उन तक पहुंचा जा सके। लेकिन इसके अलावा भारत सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं है कि उन्हें खोलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1-2% लोग हैं जो घरों में बैठ करके काम कर सकते हैं, पर जो किसान है, जो पटरी दुकानदार है, वो कहाँ जाएंगे, जो उनकी रोजी रोटी है, तो उसका कोई सिस्टम नहीं है। सरकार ने कोई आर्थिक मदद इतनी ज्यादा नहीं की कि जिससे कि वो घर पर आराम से बैठ करके इस लॉकडाउन को एंजॉय कर सकें, क्योंकि आने वाला कल में डर आता था, तो ये जरूरी है। मैं यहाँ पर दिल्ली से जो हमारे साथ, बिल्कुल मैं गजेंद्र जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं एक बार दिल्ली में हमारे जो साथी हैं बरवा साहब उनसे ही जानना चाहूंगा कि जो मजदूरों ने पलायन करना शुरू किया दिल्ली में, उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं कि वहां की जो केजरीवाल सरकार है वो पूरी तरह से मजदूरों का ख्याल नहीं रख पाई, या इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए दीपक जी, एक सही बात इसमें कहे जाए तो बेसिकली क्या है, आज जिस घर में हम रह रहे हैं, जिस रास्ते में हम चल रहे हैं, ये अब लेबर के दिन, आज उनके पास अब हमारा काम है उनको हम रिटर्न करने का। तो अगर इस वक्त अगर हम उनको तरीके से अगर हम उनको घर तक नहीं पहुंचाएंगे, वो नेक्स्ट है वो हमारे पास दोबारा उस इंडस्ट्री में दोबारा ज्वाइन नहीं करेंगे। तो जब तक ये लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक ये इकोनॉमी नहीं चल पाएगी। तो हमारे तरफ से ये पूरा प्लान ही था, ये सही बोले अपने मनीष जी भी सही बोले, गजेंद्र जी, जो 15 दिन की जो प्लान है, जो प्रोफेसर साहब ने भी बोले, जो 15 दिन की जो प्लान है वो प्लान पुख्ता नहीं था। अगर ये लेबर का पहले से अगर हम प्लान करके चलते और इनको सही सलामत घर तक पहुंचा देते, करने का तो ऐसा समय नहीं मिला ना, क्योंकि अचानक इस तरह की स्थिति देश में बन गई। गजेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं दीपक जी ये कह रहा था कि जैसे प्लान करने का समय तो नहीं मिला, पर मैं फिर आपसे निवेदन करूं कि ऐसा कुछ नहीं होता। आज अगर आपके पास एक छोटी सी फैक्ट्री इंडस्ट्री है, आपके पास 20 की लेबर है, सरकार अगर एक तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा लोगों को कि भी किसी को नौकरी से नहीं निकाले, पूरी तनख्वाहें दें, ये दें, तो एक तो क्या है कि जो, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का आदेश चला नहीं ना, आदेश नहीं सर, नौकरी से भी लोगों को हटा दिया गया, नहीं, लोगों को सैलरी भी नहीं मिल रही है। मैं वही निवेदन करता हूँ कि उसमें क्या था कि जैसे आपकी इंडस्ट्री में आपको लगा कि साहब मेरे पास तो 100 लोग हैं, मैं इनको पूरी सैलरी दी, अगर 2-4-6 महीने आगे चला गया ये तो मैं कहां से दे पाऊंगा। तो मजदूरों में ये आ गया कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मेरा ओनर होगा 1 महीने दे देगा, एक तो उनमें जो ये डर जो पैदा हुआ ना उसकी वजह से हुआ। दूसरा जैसे मैं आपको कहूंगा कि बात जहां आती है मैनेजमेंट की रिस्क की, तो आप देखो ना कि अभी कोरोना टाइम पे एग्रीकल्चर में किसानों के पास फसल काटने का समय था, फसल बेचने का समय था। आप दीपक जी कहीं से भी आंकड़े उठा लीजिए, उन आंकड़ों में कहीं पे भी अभी तक आज से 7 दिन पहले तक न तो एग्रीकल्चर में प्रॉपर वे में कोई गेहूं चना सरसों इनकी कोई सरकारी खरीद का सिस्टम बन पाया, न वहां पे लेबर का प्रॉब्लम चल रहा था, बारदाने का प्रॉब्लम, क्यों ना सरकार जब इतना सब कुछ कर रही थी तो सरकार ये भी तो कर सकती थी ना कि ग्रामीण क्षेत्र में आप गांव टू गांव जाके खरीद कर लेते सरकारी, वहां कहां प्रॉब्लम थी। आज भी आपको टोकन कटवाना पड़ रहा, जो सिस्टम व्यवस्था है नॉर्मल टाइम में थी, अब आज ई मित्र बंद है, किसान कहां तो टोकन कटवाने जाएगा, क्या करने जाएगा। ये व्यवस्थाएं कुछ ऐसी होती है जिनके अंदर बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। मंडी टैक्स लगा दिया आपके 2% वाला, जो इशू अभी चला 15 दिन तक मंडियां बंद रही, आप ये देखो ना कि एक तरफ तो किसान का अनाज जो है रोड पे पड़ा है, वहां उसको खरीदने की बजाय आप एक टैक्स लगा रहे हो, और 15 दिन तक उस वार्ता का टाइम चल गया, 17 तारीख को ये स्ट्राइक आपकी खत्म होती है, और अब जाके 5 दिन से खरीद स्टार्ट होती है। तो आप ही सोचो इस मौसम में बारिश भी आई है, तूफान भी आए हैं, तो आप उनको जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे, एक तरफ आप 1 रुपया किलो अनाज भी दे रहे हो, और एक तरफ जिससे आपको 19 रुपए 25 पैसे में खरीदना है उससे आप खरीद भी नहीं रहे हो। तो ये जो चीजें थी ना सब, इसमें कहीं ना कहीं वो चीजें थी नहीं। आपको 1500 करोड़ अगर एग्रीकल्चर मंडी से इकट्ठा करना था तो आप करिए ना, पर इस लॉकडाउन में तो छोड़ते कि जहां एक मात्र रोजगार का, कहीं ना कहीं सरकारों की भी कमी जो है वो नजरअंदाज सर, इसमें अभी जो था इस कोरोना संक्रमण में केवल मात्र एक इंडस्ट्री ऐसी थी जो एग्रीकल्चर था, जो ही चल पा रहा था, बाकी तो सारे बंद ही थे ना, आप उसको तो मैनेज कर सकते थे, वहां लेबर को काम भी मिल रहा था, सब था,
तो ये कुछ चीजें रही जिसके अंदर डिसीजन सरकार ने नहीं लिए प्रॉपर वे में। अगर लेते तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए अगर हम हमारे शहर में सही तरीके से नहीं कर रह पा रहे हैं, हमारी जो सरकार है वो हम पर ध्यान नहीं दे पा रही है, तो हम निश्चित रूप से हमारे शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर की तरफ पलायन करेंगे। संगीता जी आप मुझे सुन पा रही है लगता है? संगीता जी आप मुझे सुन पा रही जी? आपसे मेरा एक सवाल है कि लगातार जिस तरह से दिल्ली की बात की हमने या महाराष्ट्र की बात करें या पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, विशेष रूप से आपसे क्योंकि राजस्थान से आप जुड़ी हैं, तो राजस्थान का एक सवाल जो है यहाँ के जो मजदूर हैं उनके पलायन करने के पीछे आप क्या कारण मानती हैं? क्योंकि लगातार एक महीने तक तो सभी यहाँ पर रहे, उसके बाद उनको रोकने की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं रुके और लगातार सड़कों पर हमने देखा है राजस्थान में भी, हालांकि राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, उनकी व्यवस्थाएं भी की, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं चूक देखी जा रही थी। देखिए सबसे बड़ी वजह यह है कि पहले ये सोचा गया था, मजदूरों ने भी सोचा, आम आदमी ने भी सोचा था कि शायद ये लॉकडाउन 15 दिन चले, 20 दिन चले, एक महीना चले, लेकिन जब एक के बाद एक लॉकडाउन होते रहे तो लोगों को ये अनिश्चितता होने लगी कि न जाने ये कितने दिन चलेगा। और ऐसी अनिश्चितता की स्थिति में जब मजदूरों के पास रोजगार नहीं रहा था और साथ ही साथ वो अब यहाँ पे एक बड़ी बात ये देखनी पड़ेगी कि हम जो ये बात करते हैं कि राशन हो, बीपीएल कार्ड हो, वो अक्रॉस द कंट्री चले, जैसे अब हाल ही में ये हुआ है कि अब जो राशन कार्ड होगा वो अक्रॉस कंट्री होगा और पायलट किया गया है कि कुछ राज्यों के अंदर ये होगा। अगर ये स्थिति होती कि उस राशन कार्ड पे मजदूरों को जहां वो हैं वहीं पे अनाज मिल जाता, वहीं पे उनको सहायता मिल जाती, तो मजदूर इतनी बड़ी संख्या में पलायन नहीं करते। उनके घर जाने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब रोजगार के साधन उनसे छिन गए थे, जब उनके पास आय के स्रोत खत्म हो गए थे और खाना खाने के लिए वो मोहताज हो गए थे कि वो किसकी तरफ देखें। और ये इस चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि सरकारों के डेटाबेस में जब वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो सरकार की दृष्टि से भी दूर हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब सब कुछ बंद है तो पैदल निकलने के अलावा अपने गृह राज्य जाने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन संगीता जी मेरा एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या वो अपने गृह जिले में अपने वापस गांव जाने पे क्या उनके पास वहां पर खजाना गड़ा हुआ है, क्या उनको वहां पर रोजगार मिल जाएगा? देखिए दीपक जी, खजाना तो किसी के पास भी नहीं गड़ा हुआ है, एक आम मध्यम वर्गीय परिवार के पास भी खजाना नहीं गड़ा हुआ है। आज हिंदुस्तान के अंदर जो अधिकांश आबादी है वो कुआं खोदती है और पानी पीती है, हर जो मध्यम वर्गीय यहीं पर खोदना चाहिए था ना उनको, गांव जाकर तो वो और परेशान होंगे क्योंकि गांव में पहले रोजगार था नहीं, इसलिए वो दूसरे शहरों में आए। गांव के अंदर सबसे बड़ी सुविधा यह है, एक वहां पर उनके परिवार के कोई ना कोई सदस्य हैं, साथ ही वो वहां का जो राशन कार्ड है उसके अंदर उनका नाम है वहां पे, तो जो अनाज वगैरह है उसके वो वहां पे हकदार बन जाते हैं। तो इस मुश्किल स्थिति के अंदर जहाँ खाने के लाले पड़ रहे हैं, जब अगर वो अपने गांव जाते हैं तो एक तो उनको साइकोलॉजिकल रिलीफ मिलता है कि वो अपनी धरती पे आ गए, अपने लोगों के बीच में आ गए और यहां जो होगा जैसा भी होगा एक अनिश्चितता का वातावरण उनको नहीं लगता। और दूसरी बड़ी बात ये होती है कि वो जो गवर्नमेंट एड होती है उसके लेजिटिमेट बेनिफिशियरीज हो जाते हैं। अगर वो किसी अन्य राज्य में है जहां पे उनके पास एडिक्वेट दस्तावेज नहीं है तो वो एक तरह से लाचार हो जाते हैं और भिक्षा के पात्र हो जाते हैं। वहीं यहाँ पे ये अधिकार से सरकार जो दे रही है, सरकार जो राशन दे रही है, सहायता दे रही है, उसको पाने के हकदार हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन रहता है। और ये जो बड़ी संख्या में लोग निकले थे उनकी वजह भी यही थी, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि आय के साधन नहीं है, कम से कम घर चले जाएंगे। और उसमें एक देखिए हर चीज के अंदर इकोनॉमिक्स वर्क करती है, अगर वो उधर रहते तो ना उनके पास किराया देने के पैसे थे, ना बिजली पानी का खर्चा उठाने के थे, और साथ ही खाने पीने की भी उनके पास व्यवस्था नहीं थी। तो सारी चीजें इकट्ठा होकर के साथ ही एक ऐसा माहौल था, भय का माहौल, अनिश्चितता का माहौल। आपने और हमने इतनी बड़ी जिंदगी हो गई, हमने कभी ऐसी महामारी ना देखी ना सुनी है जो कि इस तरह से देश बंद हो जाए, कभी भी दुनिया भर के देश बंद होते हुए हमने नहीं सुने हैं। तो अगर देश इतने परेशान हो रहे हैं तो एक आम आदमी जो बिल्कुल ही निचले तबके का है वो कितना परेशान होगा, वो कितना घबराएगा, उसकी कल्पना करनी पड़ेगी। और यही वजह है कि वो बेतहाशा जो साधन मिला उसे लेकर के गया, साधन नहीं मिला तो पैदल निकल गया, बस वो अपने घर, अपने परिवार, अपने गांव, अपनी मिट्टी की सुरक्षा में जाना चाहता था। और यही एक वजह थी कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर मजदूर निकल पड़े थे। जी टीएन मनीष जी, आपसे एक मेरा सवाल ये है, क्योंकि अब लॉकडाउन खुल चुका है, करीब करीब पूरी तरह से खुल चुका है, फैक्ट्रियां भी खुल चुकी हैं और लोगों को अब मजदूरों की वापस जरूरत पड़ रही है, लेकिन वहां पर अब काम करने वाले मजदूर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फिर हम इकोनॉमिक रूप से डाउन जाएंगे?
आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात दीपक जी ये है कि हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, संगठित असंगठित दो तरह की श्रम है, और इन श्रमिकों में जैसा कि अभी संगीता जी कह रही थी, तो ये जो असंगठित क्षेत्र है उसका किसी भी तरह का कोई डेटाबेस गवर्नमेंट के पास नहीं है, और इवन जो संगठित क्षेत्र है उसमें भी कहीं ना कहीं यूनियनबाजी इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि वो अपनी ढपली अपने राग के हिसाब से कई तरह के हमने मिले बंद होते हुए हिंदुस्तान में देखा है। अब ये जो स्थिति बनी है इस समय, जब उनको 2 जून की रोटी में उस फैक्ट्री मालिक से उम्मीद थी जिसकी चिमनी के धुएं के जरिए उसने उस फैक्ट्री मालिक की तिजोरी भरी है, उस मजदूर ने, तो उस मजदूर का दिल टूटा है, उसका अंदर से जो हृदय है वो तार तार हुआ है, और उसने अब वैकल्पिक रोजगार रास्ते चलते दिमाग लगा करके सोच लिया है। आप ये देख रहे होंगे कि आज हमारे देश के शहरों की गलियों में सब्जी के ठेले, पहले अगर 5 आते थे तो आज 50 निकल रहे हैं। कारण क्या है कि लोगों के पास में रोजगार नहीं है और अब वो अपनी धरती अपनी माटी पर रहना पसंद कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो स्थिति है फैक्ट्री मालिकों के साथ तब तक पूरी नहीं होगी, जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात कही थी, लेकिन वो संवैधानिक दृष्टि से हिंदुस्तान में संभव नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश के अगर श्रमिकों को कोई राज्य कोई फैक्ट्री के लिए बुलाता है तो उस राज्य से हम इस बात का एश्योरेंस लेंगे कि हमारे मजदूरों की जान माल की रक्षा होगी, किसी तरह की परेशानी में उनको पूरी तरह से आर्थिक सुरक्षा सरकार सुनिश्चित करे, तब हम हमारे यहाँ की जो ये प्रतिभा है उसको भेजेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो कौशल है, जो उद्यम है, उस उद्यम के साथ में अब मुझे लगता है कि सौदेबाजी का भी खेल शुरू हो सकता है, क्योंकि उनके साथ आपदा के समय जिस तरह से उनको भिक्षुक बना दिया गया, जिस तरह से उनको सड़क पर धकेल दिया गया, तो अकेले सरकार इसमें जिम्मेदार नहीं है, सरोकार भी जिम्मेदार है। वो तो भला हो समाज के उस बड़े तबके का जो दया और धर्म के साथ दानशीलता को अपना मंत्र मानते हुए लोगों के साथ आया, अन्यथा इनकी स्थिति और भयावह होती। तो मेरा सीधा मानना है कि अर्थव्यवस्था को अगर ठीक करना है तो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का भी अब सरकार को डेटाबेस बनाना चाहिए, राज्यवार बनाना चाहिए, और राजनीति जो सियासत है इनको वोट की मशीन मानते हुए केवल चुनाव के टाइम पे याद करती है, ये परंपरा अब जो है हिंदुस्तान से मुझे लगता है खत्म होगी, क्योंकि संकट के समय जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के साथ ईश्वर चलता है और ईश्वर उसकी प्रतिभा को अलग तरह से निखारता है। जी टीएन मनीष जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, टीएन मनीष जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। मेरे एक सवाल यहाँ पर ये भी है, मैं शुरू करना चाहूंगा मुकुल जी आपसे एक बार फिर, मेरा सवाल ये रहेगा कि अब ये COVID-19 की जो महामारी है वो आ गई, हमने देख ली, अब हमारे जो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं जो लेकर आए, चाहे मोदी सरकार की 20 लाख करोड़ की योजना हो, चाहे राज्य सरकारों की योजनाएं हो, वो सभी अपने अपने तरीके से आर्थिक पैकेज जो है वो दे रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर है कि वो जो आर्थिक पैकेज है, जो सरकार की योजनाएं हैं, वो क्या आम जनता तक या जो जरूरतमंद है उन तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूँ, पर पढ़ाई लिखाई के दौरान जो थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र पढ़ा है उसके हिसाब से मैं अपनी राय देने की कोशिश कर रहा हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार से जिस तरह का लोगों का जुड़ाव होना चाहिए, वो आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी अभी भी जहाँ सरकार इन्वॉल्व हो जाती है, एक आम आदमी होने के नाते हमारे अंदर एक हिचक आ जाती है कि हमारा काम कैसे होगा, पता नहीं किसके आगे चक्कर लगाने पड़ेंगे और क्या करना पड़ेगा। अब ये तो बात हो गई एक सामान्य तबके की जो शहरों में रह रहा है और अपना लाइसेंस बनवाने जा रहा है, पासपोर्ट बनवाने जा रहा है, तब वो जुगाड़ खोजता है। ये प्रवासी श्रमिक मजदूर ठेले लगाने वाले लोग, ये कैसे बैंक जाएंगे, कैसे इनको लोन मिल जाएगा, क्या गारंटी मांगी जाएगी, किस तरीके का होगा, इस विषय पर मैं बहुत आशान्वित मुझे नहीं लगता। जैसा हमारा सिस्टम है वो बहुत ज्यादा आम लोगों के लिए उतना सुविधाजनक नहीं है, उतना दोस्ताना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मुसीबत की इस घड़ी में सरकार को थोड़ा दिल और बड़ा करना चाहिए और एक इस तरीके का मैकेनिज्म होगी। पहली चीज तो ये कि कुछ
पैसा, ठोस पैसा, कैश लोगों के अकाउंट में पहुंचाया जाए और जो लोग सरकार के डेटाबेस में नहीं है उनका एक डेटाबेस बनाया जाए। और उसके साथ साथ यहाँ पर मुझे लगता है कि जो आत्मनिर्भर वाली बात है ये ज्यादा अपीलिंग है कि हम दूसरे की नौकरी करने की बजाय बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे कुटीर उद्योग हैं जिसमें करके हम पैसे कमा सकते हैं। तो लोग और जो अभी टीएन मनीष जी भी कह रहे थे कि जो मजदूर छोड़ करके आया है बड़े बड़े शहरों को, तो जो पीड़ा लेकर के आया है तो वो अपने और उसके पास अब एक्सपोजर भी है, तो अगर वो अपने कुछ गाँव में करेगा तो गाँव भी आगे बढ़ेगा और वो भी आगे बढ़ेगा। पर उसके लिए सरकार को अपना सिस्टम जो है वो एक आम आदमी फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, पर जिसपे मुझे शक। संगीता जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो सरकार की योजनाओं का जो क्रियान्वयन होता है क्या वो पूरे सही तरीके से नहीं हो पाता है? क्योंकि हम अगर कोई सरकारी सुविधा लेने के लिए जाते भी हैं तो उसके बहुत लंबे एक हमको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ताकि वो फिर हताश होकर वापस आ जाता है कि नहीं ये हो सकता है मुझे नहीं मिल पाए। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि सरकारी योजनाएं किस तरह की होनी चाहिए जिससे कि जिन लोगों के लिए वो योजनाएं बनाई गई हैं उनको सीधा सीधा उससे लाभ मिले और वो आत्मनिर्भर हो सके और अपने पांव पर खड़े हो सके? देखिए, सबसे जरूरी सबसे पहली बात तो ये होनी पड़ेगी कि सरकार को अपना डेटाबेस जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट बनाना पड़ेगा, अप टू डेट बनाना पड़ेगा और डेली अपडेट होने वाला बनाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे इस समय जो कोविड के दौरान पूरे देश भर में देखा गया, वो देखा गया कि किसी के पास राशन कार्ड है तो उस पर कोई मोहर नहीं लगी हुई है, मोहर लगी हुई है तो कहीं से अप्रूवल नहीं है, कोई ना कोई लक्यूना ऐसा था जिसके कारण कि वो लाभार्थी नहीं रह पाया। सरकारों को अपना सिस्टम इस तरह से दुरुस्त करना पड़ेगा कि सरकार के पास इस देश की आबादी के हर व्यक्ति के बारे में एक डेटाबेस होना पड़ेगा, उसके बारे में कौन बेनिफिशियरी है ये जानना पड़ेगा, कौन किस चीज का हकदार है। और ये जो हमारे एक सिस्टम बन गया है कि आदमी लाभ लेने जाता है, भिक्षु की तरह जाता है, ये सिस्टम ना होते हुए एक ऐसा सिस्टम बनना पड़ेगा जहां आदमी अधिकार से अपनी जो हक की चीज है वो लेने जाए। और उसके लिए सबसे बड़ी ये जरूरत है कि बहुत ग्राउंड लेवल से इस समय जिस तरह का काम हो रहा है वो आगे बढ़ाया जाए। और उसके साथ साथ एक बात जरूरी ये भी है कि जो लोग हैं उनकी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चली जाए, क्योंकि अगर हम बीपीएल की भी लिस्ट देखें तो बीपीएल की लिस्ट के अंदर अधिकांश लोग ऐसे हैं जो अपात्र हैं। इस समय अगर एक जो क्राइसिस है उसने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है और जब ग्राउंड लेवल पे पूरा का पूरा सरकारी अमला काम कर रहा है तो सरकारों को चाहिए कि अभी उसका उपयोग करें, अभी उसको सारे के सारे सिस्टम को दुरुस्त करें, एक एक चीज का लेखा जोखा रखें, तभी सरकारी योजनाओं को सही हकदार लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, वरना उनको नहीं पहुंचाया जा सकता है। बिल्कुल टीएन मनीष जी, आप क्या सोचते हैं? इसके अंदर आप एक चीज देखिए, यहाँ पे एक जो ऐप किया गया है आरोग्य सेतु, आरोग्य सेतु डाउनलोड करने के साथ ही आदमी का जैसे मूवमेंट ट्रैक किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये डेटाबेस तैयार करना कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अगर हम किसी भी वायरस को कंटेन करने के लिए या अपने आप की सेफ्टी को जानने के लिए कि हम किस कंटेनमेंट जोन में जा रहे हैं या हम किस एरिया में है, वहां कितनी दूर तक इन्फेक्शन है, ये जानने के लिए अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर है तो इस तरह के आसानी से डेटाबेस तैयार किए जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर तैयार किए जा सकते हैं। क्योंकि अब कोविड पैंडेमिक के बाद हमारा जो जीवन का तरीका है, हमारी जीवन की शैली है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन होगा, वर्क स्टाइल में परिवर्तन होगा। जो मजदूर घर आए हैं वो इतनी आसानी से मुझे नहीं लगता कि उनमें से काफी बड़ा प्रतिशत है वो वापस शहरों में जाएगा। तो अब सरकारों को ये भी देखना होगा कि अगर मजदूर गांव में है तो चाहे इंटरस्टेट पलायन हो वो भी ना हो, जो फैक्ट्रियां लगे वो रूरल एरिया में लगे, दिया जाए उनको किसी न किसी तरह का बेनिफिट दिया जाए, रियायत दी जाए। साथ ही साथ अगर शहरों के पास कोई इंडस्ट्री लगा रहा है तो उसके ऊपर 4 गुना टैक्स लगाया जाए, 10 गुना टैक्स लगाया जाए, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्री है वो शहरों के आसपास ही कॉन्सेंट्रेट होती जाती है। तो हमें एक न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ना पड़ेगा और वो न्यू नॉर्मल जो है वो इस स्थिति के बाद ही आ पाएगा। और ऐसा हम ये नहीं मानते थे कि अगर रूटीन में सब कुछ चल रहा होता तो एक न्यू नॉर्मल आ जाता, लेकिन इस क्राइसिस के बाद एक न्यू नॉर्मल आ सकता है। जी टीएन मनीष जी, आप क्या सोचते हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो क्या आम लोगों तक आराम से पहुंच पाती हैं या नहीं पहुंच पाती? देखिए, अदम गोंडवी साहब ने, वो तो बेचारे अब चले गए, बहुत पहले ये लिखा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं,
ये दावे किताबी है। तो दरअसल होता यह है कि हमारी सरकार की जो योजनाएं है वो जमीन में आते आते कहीं ना कहीं दम इसलिए तोड़ती है कि इतने पुराने 70-72 साल बूढ़े भारत में अभी तक हम इस बात को तय नहीं कर पाए कि हमारी जो सरकारी मशीनरी है उसके बीच में जो अंतर विभागीय तालमेल होना चाहिए उसका नितांत अभाव है। केंद्र से लेकर के राज्य पहुंचते पहुंचते कुछ तो सियासत खाती योजनाओं को और कुछ आपस में विभागीय स्वार्थ खा जाता है। तो ये जो पूरे के पूरे मामले, इस तरह की जो लैकुना है, इस तरह की जो विसंगति है, उसको दूर करना होगा। उसके बाद ही हम कुछ इस स्थिति में आएंगे कि हमारा जो जमीनी अमल है उस पर हम कुछ कह पाएंगे। अभी हम इतने वर्षों बाद भी आज भी अधोसंरचना में उलझे, हम आज भी सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य इस पर ही केंद्रित होकर रह गए। तो उद्योग तो बहुत बात की बात है, लेकिन ये जो कोविड है, इस कोविड ने हमको बहुत कुछ सिखा दिया है, समझा दिया है। ऐसी स्थिति में बिल्कुल सही कि ग्राम स्वराज की स्थिति आएगी। ग्राम के जो लोग हैं वो जो, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था, वोकल टू ग्लोबल वाली बात जो आई थी, उस बात में छोटे छोटे उद्योग समूह, छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके, बचत समूह बना करके, अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके इस वर्ष में पूरी तरह से जीवन जीना पड़ेगा। अन्यथा बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि बात यह है कि हमारे यहाँ जो सामाजिक खाई है शोषक की और शोषित वर्ग की, वो लगातार बढ़ी है। उसको कोई पाट नहीं पाया, कोई सरकार उसमें कुछ कर नहीं पाई है। तो ऐसी सूरत में एक बात जरूर है कि आत्मनिर्भरता वाली जो बात कही जा रही है वो अपने आप में महसूस इसलिए हो रही है कि अब जब रोटी का सवाल आ गया है और जब देख लिया कि अपने घर में भी ये रोटी देश पर आया छोड़ के आ जा, तो लोग अपने गांव पहुंचे और उस गांव के भीतर अगर वो ईमानदारी से अपनी अगर खेती में भी हाथ बटा लेंगे तो मुझे लगता है कि फसल इतनी हो जाएगी कि उनकी नून, तेल, मिर्ची की व्यवस्था, सड़क, पानी, बिजली के अलावा बात ना करते हुए सरकार अब रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता अगर उनकी कर लेगी तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ हो सकता है। और ये बात बिल्कुल सही संगीता जी कह रही है कि हमारा जो विकास है वो विकास केवल सीमेंट, कंक्रीट का जंगल नहीं है, वो विकास केवल बड़ी फैक्ट्रियां जिससे रसायन उगलता है, जो खेतों को जहरीला बनाता है, वो विकास नहीं है। अब हमको छोटे छोटे कुटीर उद्योग जो हमारे यहाँ के बंद हो गए उस पर केंद्रित होकर के व्यवस्था को लाना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था हमारी जो है माइक्रो मैनेजमेंट में अब चल पाएगी, सूक्ष्म स्तर पर अर्थव्यवस्था को लाना आज समय की मांग है। बिल्कुल गजेंद्र जी, आप क्योंकि लगातार सरकारी योजनाओं से जुड़े रहते हैं, आपने पहले भी कई सरकारी योजनाओं को देखा है, आपका नजरिया क्या कहता है? देखिए दीपक जी, टीएन साहब ने जो चीज कही, संगीता जी ने जो कहा कि भाई एक तो अभी देश में जो रिक्वायरमेंट है, नेशनल आंकड़े होने चाहिए, वो होने चाहिए। दीपक जी एक छोटा सा एग्जांपल देखिए कि अगर यहाँ राजनीतिकरण नहीं होता देश में, आप आधार लेके आते हो तो एक पार्टी विरोध करती है, कभी कोल्ड उस पे स्टे लगाता है, कभी कुछ लगाता है। लॉकडाउन के दौरान जब चीजें आई तो आपने 15-20 दिन, एक महीना निकालने के बाद एक लिस्ट जारी करते हो कि साहब नाई बढ़ई वो ठेकेदार ये ठेकेदार ये, अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले ई मित्रा पे जाके और वो कर ले। क्यों ना इस कैसा भी टाइम आ जाए दीपक जी, जब आप कभी भी जब वापस से रिसाइकलिंग का ऐसा कोई सिस्टम आता है, आपको उद्योग धंधे लगाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग धंधे लगाने के ऊपर सब्सिडी नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही। पर हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, जो मनीष जी कह रहे थे वैसे, कि जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो सिस्टम आते आते सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही, डिपार्टमेंट की जवाबदेही जो है, वहां कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप है। और वो होता है, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में कुछ इंडस्ट्री लगती है तो वो केवल सब्सिडी खाने के लिए लगती है। अधिकारी अगर किसी की फाइल अप्रूव करता है तो वो उसमें से कुछ खाने के लिए करता है, न कि ये टारगेट होता है कि उस गांव में कोई इंडस्ट्री डेवलप हो जाए। आज इतनी सारी चीजें हैं, अभी जो घोषणाएं हुई सब चीजें हुई, पर उन घोषणाओं का जब तक आम लोगों के पास में, एक आम व्यक्ति के पास में उसकी चीज नहीं जाएगी, जब तक वो उस चीज का उपयोग नहीं कर पाएगा। छोटे छोटे एग्जाम्पल है, आप दीपक जी देख लीजिए कि मनरेगा में रोजगार मिल रहा था, एक दौर ऐसा था जब काम नहीं होता, फालतू का पैसा वेस्ट जाता था। आज आप किसान के खाते में 6,000 जमा कराने के बात करते हो, आप 50 तरह की सब्सिडीज देते हो, ये करते हो। जब 72 साल में भी हम हमारी व्यवस्थाओं को नहीं सुधार पाए और खाली एक वोट बैंक की राजनीति के ऊपर लेके चले, कभी भी इस देश में मुझे नहीं लगता है कि सरकारों ने कभी ये सोच के काम किया कि हमें देश की जनता के लिए कुछ करना है और आगे बढ़ाना है। अगर होता तो आप ये देखो दीपक जी, आज से 500 साल पहले आप ग्रामीण परिवेश में, अपने पूर्वजों के सिस्टम में चले जाइए, कोई भी ऐसा गाँव था क्या वहां रोजगार नहीं था, कोई भूखा मरा आज दिन तक? नाई था, बढ़ई था, जो भी था, जिस जाति धर्म संप्रदाय से था, उसकी व्यवस्थाएं होती थी।
कहीं असंतोष नहीं था, ये असंतोष आया हमारे द्वारा क्रिएट किए गए, सरकारें बन गई। पहले ये जो असंतोष है हम लोगों के बीच में, इसको दूर करना होगा, उसके बाद हमको दूसरे काम करने होंगे। अब मैं चलते चलते यहाँ पर फाइनल 20-20 सेकंड के व्यू लेना चाहूंगा। डॉक्टर मुकुल जी, आप अपना फाइनल व्यू 20 सेकंड में रख दीजिए प्लीज। मैं चूंकि एक आशावादी आदमी हूँ, मुझे लगता है कि ये दौर मुश्किल वाला है, लेकिन ये बीतेगा जरूर। जी संगीता जी, जी देखिए, मेरा ये कहना है कि हर चीज सरकार पे नहीं डाली जा सकती। इस समय क्राइसिस का दौर है, हर इंसान को आगे बढ़ना पड़ेगा, और इस दौर ने ये दिखाया है कि आम आदमी ने आगे बढ़ के किस तरह से मदद की है। हीरोज निकल के आए हैं कॉमन मैन के बीच में से, उन्होंने एक रास्ता दिखाया है। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि सारे के सारे लोग पहले ये देखें कि हम क्या कर सकते हैं। सरकार करेगी, उसकी ड्यूटी है, और इसके साथ साथ सरकार को ये करना पड़ेगा कि ट्रांसपेरेंसी लानी है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तो अपना डेटाबेस बिल्कुल ऑथेंटिक और पब्लिक के लिए एक्सेसिबल रखें। ये इस कोविड का सबक होना चाहिए। बिल्कुल आशीष बरुआ जी, आप क्या कहना चाहेंगे फाइनल व्यू के दौरान? मैं छोटी सी बात इस पे संक्षेप में कहना चाहता हूँ। आज ये ज्यादा हम अपने आप को क्या पॉलिटिकल पार्टी क्या करेंगे, क्या कुछ करेंगे, हम खुद क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। क्या हम आज हम अपने जो सोसाइटी को हम क्या दे सकते हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए। इसी हिसाब से मुझे लगता है कि हमें अपना जो आपस में चर्चा करना, इस सरकार क्या कर रही, पॉलिटिकल क्या कर रही, इसके लिए मैं सोचता हूँ कि हमें क्या आगे करना चाहिए, उसके लिए सोचा जाए। जी गजेंद्र जी। दीपक जी, देश आत्मनिर्भर बनेगा ये तय है कि अब तक जो चीजें आई हैं उनको देखने के बाद में व्यक्ति को पता लग गया कि भी मुझे जो करना है वो मुझे करना है, तो डेफिनेटली वो अपने उस सिस्टम के ऊपर डेवलप करने की कोशिश करेगा, पराए भरोसे पे नहीं रहेगा। जी फाइनली टीएन मनीष जी, आपके क्या विचार हैं अपने फाइनल व्यू के दौरान? देखिए ऐसा है कि स्वावलंबन जो है वो ऐसे ही दौर से हम सीख सकते हैं, और इस समय मुफ्तखोरी की राजनीति से पूरी सियासत को बचना चाहिए। ना तो बिजली मुफ्त चाहिए, ना पानी मुफ्त चाहिए, सिर्फ एक भाव मुफ्त चाहिए कि आप जागरूक कर दीजिए, और जागरूकता के साथ में आप माइक्रो फाइनेंस की ऐसी व्यवस्था करिए कि छोटे छोटे स्तर पर हर घर में एक छोटा उद्योग चले, ताकि लोग आत्मनिर्भर बने। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसको कोविड ने कहीं ना कहीं साबित किया, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम जो है स्वावलंबन और आत्मनिर्भर के साथ इसलिए आगे बढ़ेंगे कि जब 2 जून की रोटी पेट में नहीं जाती है तो उस समय रास्ता अपने आप निकलता है। निश्चित तौर पर, तो क्योंकि बदलते जमाने के साथ हमको भी बदलना पड़ेगा, और सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, सरकार अपना काम करेगी, लेकिन हमको ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हमको अपने आप को काम करना है, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, तभी जाकर हम अपना, अपने परिवार का, समाज का और देश का भला कर पाएंगे। आप सभी ने हमारे साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुकुल जी आपका धन्यवाद, संगीता जी आपका धन्यवाद, गजेंद्र जी आपका धन्यवाद, बरुआ साहब आपका धन्यवाद, और टीएन मनीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक बार फिर इसी कार्यक्रम के दौरान अगली बार। आप सभी ने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। Thank you. ये अपना फटेगा क्या जूम से?